मैंने क्वेश्चन तो करना। अरे लाइटर तो दे दो। लाइटर माचिस दे किसके पास? ये पंखा बंद करो पहले। लाइव आओ। फैन बंद कर दो। हेलो मैं बहुत प्यारे जी सुफियान जी दामाद जी उनके और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद फेसबुक फ्रेंड और आप लाइव देख रहे हैं अपने अपने घरों पे और आशीर्वाद दीजिए कि अली जी 1000 साल जिए और हमारे यहाँ देश की सेवा करते रहे। और दोस्तों माफ करना है किसी कमेंट का जवाब ना शिवाजी 2 मिनट बात करता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, ये सरप्राइज्ड है क्योंकि इन लोगों ने राज ने हमें फ़ोन किया कि बस 2 मिनट के लिए आइए, सबसे मुलाकात हो जाएगी और बड़ी खुशी की बात है कि ये इनकी सोच बड़ी है कि बदला हिंदुस्तानी की टीम की सोच बहुत बड़ी है। एक ज़माना था कि मैंने खुदा गवाह के सेट पे अपना बर्थडे मनाया था, बड़े ज़माने के बाद राज इन लोगों ने मतलब आज ये प्रोग्राम मेरे लिए रखा तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ। और रमज़ान का महीना चल रहा है, बहुत पाक महीना चल रहा है, सारे रोज़े से हम लोग हैं और अभी तरावी पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि 9:45 बजे नमाज शुरू होती है और ये बहुत ही मुतबरक महीना है। हम इस फिल्म के कलाकारों के लिए दुआ करते हैं, डायरेक्टर के लिए दुआ करते हैं, मैच के लिए दुआ करते हैं, ये फिल्म चले ताकि नए कलाकारों को मौका मिले क्योंकि ये वो लोग नहीं है, ये बहुत ऐसे लोग हैं जो नए लोगों को मौका देते हैं तो मैं ऐसे लोगों को सलाम करता हूँ। क्या मैसेज देती है ये फिल्म सर आपकी? ये फिल्म बहुत अच्छी है, देश के हित में है और देशभक्ति फिल्म है ये और ये मुझे लगता है कि ये फिल्म एक बहुत अच्छा मैसेज है। थोड़ा सा उन कैरेक्टर्स के बारे में सर जो फिल्म के बारे में बता रहे हैं लोग, जिन लोग थिएटर्स में जाके देखेंगे उन लोगों ने? नहीं, ये फिल्म ज़रूर थिएटर में जाके देखें क्योंकि ये फिल्म थिएटर में ही देखने के लायक है, तब मज़ा आएगा। और क्योंकि ऐसी फिल्में जो बनती हैं कभी कभी बन जाती हैं, ये नया जोश है, नई टीम है, इसमें डायरेक्टर भी ये मेरा जो छोटा भाई है ये भी दया एकदम, इसका भी बड़ा जोश है, ये जो राज है, ये प्रोड्यूस की आप सबके जो जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं मैं समझता हूँ कि सब ने बड़ी अच्छी मेहनत की है और नए लोग में नया जोश होता है जो धीरे धीरे ठंडा होता है, लेकिन इस बार ये फिल्म इंशाल्लाह अच्छी चलेगी। सर कब तक देखने को मिल सकती है सर ये फिल्म? मुझे तो जैसा कि बताया गया जुलाई में ये फिल्म जो है और मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, इन लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी। इनके नाम के सभी कलाकारों के थोड़ा थोड़ा नाम के साथ परिचय हो जाए सर, चैनल को तो बहुत अच्छी बात है। बताइए आप चैनल से। सर इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है? हम जो है, मेरा नाम तो विजय सिंह पटेल है लेकिन फिल्म में मैं सतवीर का किरदार निभाया हूँ। जी जी। और सर जी के साथ में बहुत अच्छा लगा काम करके, मैं सोचा नहीं था कि जो है सर जी के साथ में मैं ऐसा काम कर लूंगा लेकिन बहुत अच्छा लगा जो है। ये तो सर जैसा कि ये पूरी टीम नहीं थी, यानी डायरेक्टर का भी ये डेब्यू फिल्म थी और जो प्रोड्यूसर थे वो भी ऐसा प्रोड्यूसर फर्स्ट टाइम आए थे। मेरी तिरंगा है, मैं शूट कर चुका हूँ उसमें, काम कर चुका हूँ उसमें, भी बड़ा अच्छा लगा सर जी के साथ में काम करके। सर जैसा कि फिल्म के डायरेक्टर की एक डेब्यू मूवी थी और उसके अलावा जो प्रोड्यूसर है उनकी भी पहली फिल्म थी, तो यानी कितना
एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके साथ, आपका इनके साथ काम करने का? डायरेक्टर ये बड़ा कॉन्फिडेंस एक साथ ही ये दिखता है छोटा बहुत बड़ा टैलेंट का खजाना है सर। ये लक्ष्मण सर के डायरेक्शन के बारे में जानना चाहेंगे कि इनके डायरेक्शन नहीं जब मैं ये नहीं बता रहा हूँ जान लोग गलत नहीं बोलो जाएंगे मेरा शॉर्ट ले रहे थे तो मुझे लगा कि आप इतना मजा वाला डायरेक्टर है और माशाल्लाह कितना टैलेंट है। हाँ तो मैं बस यही कहूँगा क्योंकि बहुत कम वक्त में हमें यहाँ पे समाज के लिए खेलना है। बहुत बहुत शुक्रिया। सुफियान जो है पिक्चर एज ए बैचलर पार्टी एज ए लीड रोल में आप सब दुआ कीजिए कि पापा की उम्र और सेहत और तंदुरुस्ती थैंक यू सो मच। तो ये आप सबका प्यार है और यहाँ पे जो लोगों के बीच में मैं जोश देख रहा हूँ और पापा के प्रति जो प्रेम देख रहा हूँ बहुत ही काबिल तारीफ है। थैंक यू सो मच। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। उनके बारे में कुछ थोड़ा कुछ बहुत अच्छा अच्छा काम किया और मैंने बताया था कि सबने मिलजुल के इसमें अपने टैलेंट का खजाना सामने निकाला। आप आइए अपने के साथ मेरे काफ़ी इसमें सीन हुए हैं जो बहुत अच्छे शूट हुए हैं और ये फिल्म बदला हिंदुस्तानी का जो है एक बॉलीवुड फिल्म है, हिंदी फिल्म है और एक फौजी के जीवन गाथा पर आधारित फिल्म है। इस फिल्म में एक फौजी के जीवन को बताया गया है बड़े खूबसूरत तरीके से। हमारे जो डायरेक्टर हैं लक्ष्मण यारा जी और उनकी टीम बहुत अच्छी तरीके से फिल्म को बनाया है और थैंक्स करना चाहूँगा राज राजपूत जी को, रेणुका राजपूत जी को जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने नए चेहरों को चांस दिया, जो जिन नए चेहरों में से एक मैं भी हूँ, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। इस फिल्म में शुरू से लेके लास्ट तक सब कुछ खास है। पहली बात तो इस फिल्म को देखने के बाद हर व्यक्ति के मन में, आम इंसान के मन में देशभक्ति की भावना जागृत होगी, वो अपने देश के प्रति एक जिम्मेदारी महसूस करेगा। और इस फिल्म में एक फौजी की कहानी है, देश के जो सुपर हीरो हैं वो फौजी हैं, तो इस फिल्म को देखने के बाद एक खून में एक देशभक्ति की भावना जागृत होगी। क्या बात है। और आपके जो साथी कलाकार हैं आपको उनके साथ काम करके कैसा लगा और मतलब क्या कई चीज़ें सीखी या फिर कई चीज़ें आपने उन्हें सिखाई हैं? हमारे साथी कलाकार हैं कहते हैं कि मैन इज ऑलवेज लर्नर। जो साथी कलाकार
बंटी जी, काफ़ी सीखने को मिला और अली खान साहब मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। लोग भारत की जनता फिल्म देखे हमारी फिल्म में दिलीप केदार साहब है जिन्होंने बहुत अच्छा रोल किया है, बहुत अली जी हैं जो बहुत अच्छे हैं, अली खान साहब हैं जिन्होंने उनके बारे में बताया, काशी तिवारी जी हैं, शाहबाज खान साहब हैं, अंजना जी हैं, तो काफ़ी बड़े बड़े फेमस आर्टिस्ट हैं जो पूरे भारतवर्ष में फेमस हैं और फिल्म बखूबी उन्होंने बना। बात करें आपके डायरेक्टर की तो आपके डायरेक्टर का कितना सपोर्ट रहा? डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ शिप, डायरेक्टर साहब के बगैर तो सब कुछ अधूरा है, तो उन्होंने हमारे साथ जो हमको काम सिखाया बड़े इजी कम्फर्ट तरीके से हमने काम किया और कभी ऐसा लगा ही नहीं कि इतने बड़े प्रोजेक्ट में इतने ईजिली काम करें, तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमको। जो आप बताना चाहते हैं जो दिखाना चाहते हैं वो जरूर देखें और जरूर सीखें। मैं भारत की जनता से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए, 3 घंटे निकालें क्योंकि देश की फिल्म है और सुपर हीरो हमारे देश के फौजी हैं, फौजी फिल्म बनी है, काफ़ी दिन बाद आई है। थैंक यू। आप सर बताइए, बस बस ये आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, आज अली खान जी के बर्थडे में सारे लोग आए हैं और आज फिल्म की मूवी की डबिंग भी थी, सारे लोग इकट्ठे मिल गए, बहुत मजा आया, बहुत इंजॉय। क्या बात सर, थोड़ा पहले आप आपका नाम जानना चाहेंगे हमारी पूरी जनता? मेरा नाम शिवभूजन तिवारी है, मैं इस मूवी में फकीरा चाचा का किरदार दिया। इस तरह की फिल्म बहुत बनती है, आपकी मूवी में ऐसा क्या स्पेशल है और क्या रहा फिल्म के साथ जो आपके कलाकार आपके सारी कलाकार हैं सभी? इस तरह की मूवी ज़्यादातर तो नहीं बनती है, आजकल तो मैंने इस तरह की मूवी नहीं देखी, ये पूरी देशभक्ति मूवी है और एक फौजी के ऊपर आधारित है, फौजी के बारे में बताया गया है, फौजी की कहानी को दिखाया गया है, इस तरह फौजी हमारे लिए अपने देश के लिए वहाँ बॉर्डर पे लड़ते रहते हैं और जब अपने गांव में आता है उसे कैसी तकलीफें झेलनी पड़ती ये दिखाया गया। कुछ लोग पूछना चाहूँगा आपके प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर के बारे में, लक्ष्मण यारा जी उनका हमारे प्रोड्यूसर राज राजपूत जी और उनकी मैडम रेणुका राजपूत जी बहुत अच्छे खासे और खुशदिल इंसान है और इन्होंने कई सालों को नए कलाकारों को भरने का मौका चांस दिया, इसके लिए इन्होंने थैंक्स कहना चाहूँगा। और हमारे लक्ष्मण यारा जी जो डायरेक्टर है ऐसे कप्तान है कि जब तक ये किसी के शॉट से कुछ नहीं हो जाते भले वो 8 टेक लेना पड़े वो लेते हैं, चाहे वो नया कलाकार हो, चाहे वो पुराना हो, चाहे अली खान जी हो, चाहे मुश्ताक जी हो और चाहे मोनालिसा जी हो, चाहे अंजना सिंह हो, ये समझौता नहीं करते। थैंक यू सर। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और जानना चाहेंगे फिल्म बदला हिंदुस्तानी का किस तरीके से जुड़े हैं इस फिल्म के साथ? मैं बनारस का रहने वाला हूँ, बीजापुर जिला से, मनोज पटेल नाम है मेरा और इस फिल्म की बात है तो इस फिल्म में मेरा किरदार करमवीर का है और एक फिल्म का नाम है बदला हिंदुस्तानी का, इसके डायरेक्टर है लक्ष्मण यारा और प्रोड्यूसर है राज राजपूत सिंह एंड रेणुका राजपूत सिंह और एक फिल्म एक देशभक्ति फिल्म है फौजी ऊपर निर्धारित। बात करें आपके कैरेक्टर की तो किस तरीके का कैरेक्टर है अपने दर्शकों को? मतलब मेरा बात करें आपके कैरेक्टर की तो किस तरीके का कैरेक्टर है थोड़ा समय दर्शकों को बताइए। फिल्म में 2-3 ग्रुप है, एक ग्रुप में मैं भी रहता हूँ और जो भी ग्रुप है सब आर्टिस्ट लोग अपना किरदार बहुत ही अच्छे से निभाया है और बहुत ही मेहनत की है सब लोगों ने और ये फिल्म बहुत ही जल्द आने वाली है, जुलाई में आ जाएगी थिएटर पे और देखिए बहुत ही अच्छा फिल्म है। तो आपका क्या मैसेज है जनता के लिए? जनता के लिए मैसेज है कि बहुत ही अच्छा फिल्म है, अपने दोस्त परिवार के साथ जाके देख सकते हैं। अपनी जर्नी के बारे में बताइए, अपनी फिल्म के बारे में। मैं अजीत दास हूँ और ये मेरा पहला बॉलीवुड मूवी है और जो मूवी है ना एकदम अच्छा मूवी है और ये एक फौजी घर की कहानी है जिसमें मैं हीरो का बाप बना हूँ, एक रिटायर्ड फौजी। ये फिल्म के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ राज राजपूत जी की जो कि इस मूवी का प्रोड्यूसर है और
एक अच्छे आदमी भी है और उनकी धर्मपत्नी रंगा जी को एकदम फर्स्ट क्लास लड़ी बोलने से भी कम पड़ेगा उनको। और ये जो मूवी बना है देश के ऊपर बना है, फौजी घर की कहानी के ऊपर बना है और टोटली एक पॉलिटिक्स और फौजी घर की कैसे मुकाबला होता है उसी में दिखाया गया है और सबको कैसे यहाँ मुश्किल चलना पड़ा है ये इसमें दिखाया गया है। तो मैं सब लोगों को गुजारिश करूँगा, अनुरोध करूँगा कि सब लोग मेरे फेसबुक फ्रेंड्स से, अपनी टोटली फ्रेंड्स से और देश में सबको अनुरोध करूँगा कि ये मूवी देखें। ये बॉलीवुड की एक डिफरेंट मूवी है जिसमें ना कोई ऐसा वैसा सीन है कि जो बैठ के कोई ना देख सके, तो इसलिए हम सबको गुजारिश करते हैं, देशवासियों को बोलते हैं कि भाई ये मूवी जरूर देखो और ये साफ सुथरी मूवी है, इसमें ना कि कोई किसी सीन की नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं ये पारिवारिक मूवी है, जरूर देखें और हम लोग का हौसला बढ़ाए। आप लोग अगर देख के ये मूवी को अच्छा एनकरेजमेंट दिए तो आगे हम लोग अच्छा मूवी देंगे। इतना बोल के मैं ओके थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत। अच्छा कॉन्टेक्स्ट से भरपूर है।
जैसे कि मूवी रिलीज होने वाली है जुलाई में, जुलाई की पूरी तैयारियाँ चल रही है कि जुलाई में मूवी रिलीज करेंगे। और प्रभाव ऐसा पड़ेगा कि आज की डेट बहुत फौजियों के प्रति लोग तरह तरह की बातें सोचते हैं, और ये मूवी देश एक फौजी से रिलेटेड है, और मेन बेस यही है कि मूवी जब रिलीज हो गई तो बहुत से जो पब्लिक है, लोग हैं, एक फौजी के प्रति फौजी की छवि। और बाकी अपने डायरेक्टर के बारे में कुछ बताइए सर। डायरेक्टर के बारे में मैं यही बोलना चाहूँगा, एक ही वर्ड बोलना चाहूँगा कि ही इज वेरी ग्रेट डायरेक्टर इन बॉलीवुड इंडस्ट्रीज। कहते हैं छोटा सिक्का और बहुत टैलेंट है उनके अंदर, और बहुत अच्छी तरीके से आर्टिस्ट को मोटिवेट करते हैं कैसे काम करवाना है, बहुत अच्छा टैलेंट है। और मैं पर्सनली उनकी बहुत फॉलो करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट भी बहुत करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट भी हैं उसमें, नॉन फेस्ट भी हैं और थिएटर आर्टिस्ट भी हैं, तो जा सकते हैं।
विस्तार में नॉन फिश में है अली खान जी हैं, वैशाली घोष जी हैं एंड बशीर खान जी हैं, अशोक पटेल जी गुजराती इंडस्ट्रीज से हैं एंड जो डायरेक्टर हैं वो लक्ष्मण यारा जी हैं, जैसे मैंने मेरी बॉलीवुड मूवी जो देशभक्ति मूवी उसमें भी हुई है और शायद मैं आगे भी जितनी मूवी करूँगा तो मैं आई होप आशा करता हूँ कि उनके साथ बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी तरीके से वो गाइड भी करता हूँ। तो सांगी जी आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी तक की जो बॉलीवुड की जर्नी रही आपकी और अब ये एक बड़ी फिल्म जो आप अभिषेक जी की बात करने वाले हैं टू क्रश लव स्टोरी, तो इससे पहले आपका पहले से पहले का क्या कि कैसे आपने मतलब यहाँ तक का जो आपका रहा है इसका इसके बारे में? एक्चुअली मैंने इसके पहले कोई काम नहीं किया, ये मेरी डेब्यू मूवी है और इसके पहले मैं थिएटर आर्टिस्ट थी, ऑडिशन देती रही पर कुछ पानी लग पाई चार ऑडिशन के थ्रू इनसे मिली, लक्ष्मण सर से मिली, विशाल सर से मिली, सिलेक्ट हुई पर आप देख सकते हैं। और तो मैं कुछ जानना चाहूँगा कि सर जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं सोनी के उनके बारे में कुछ? जो प्रोड्यूसर हैं एक्चुअली वो नए लड़के हैं और कहते हैं ना कि जोश है, एक्साइटमेंट है, कुछ करने का जज्बा है। संतोष मौर्या जी हैं, अखिलेश पांडे जी हैं और राजकुमारी साकेत जी हैं जो प्रोड्यूस कर रही है मूवी को। मैं एक मीन्स सारे प्रोड्यूसर बोल सकता हूँ क्योंकि सब एक टीम वर्क एक मिल करके वर्क कर रहे हैं और आई आशा करता हूँ कि जब मूवी मार्केट में आएगी तो धमाल मचा। क्या मतलब बहुत टाइम बाद एक अच्छी प्योर लव स्टोरी देखने को मिली है। यस और मैंने मतलब जब तक हमारी टीम ने सुना है कि इसमें कुछ ट्विस्ट भी है आपकी स्टोरी में, तो अगर आप थोड़ा सा ट्विस्ट है और सस्पेंस भी है, बहुत सस्पेंस है। मैं जहाँ तक स्टोरी के बारे में सिर्फ इतना बोलूँगा कि आप जब तक एंड नहीं देखोगे तब तक आपको मूवी का क्लाइमैक्स समझ नहीं आएगा। क्या और पूरा मूवी मीन्स इस तरीके से कि फ्लैशबैक में ज़्यादा जा रही है स्टोरी एंड पब्लिक को बांध के रखेगी, पब्लिक उठ नहीं सकती है जब तक वो पूरी मूवी नहीं देखेगी, पब्लिक नहीं जा सकती। क्या सालवी जी आप अपने कैरेक्टर के बारे में क्या कहेंगे जो आपका मेन कैरेक्टर है? मेरा कैरेक्टर उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन कीजिए कि लोग क्यों वेट करेंगे ज्योति को देखने के लिए, दीपक क्यों? ज्योति एक ऐसा कैरेक्टर है हमारी सोसाइटी में पाया जाता है, मतलब ये मिलेनियर है, लड़की है, मल्टीनेशनल कंपनी की ओनर है, मार्किन है वो बाकी, और दीपक भी बेचारा एम्प्लॉय है, मामूली से एम्प्लॉय है, लेकिन एक्चुअली कैसे कनेक्ट होती है बेहद ही करीब घर का लड़का और एक अमीर लड़की का क्या कनेक्शन है, कहाँ से जुड़ता है, कैसे फिर जाते हैं कि उनका क्या, और लड़की का कनेक्शन तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आखिर क्यों एक इतनी अमीर लड़की इतनी गरीब लड़की को पार करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें डबल क्रश है, लड़की का भी क्रश है और लड़के का भी क्रश है। पुनर्जन्म की स्टोरियाँ काफ़ी टाइम से आई नहीं है तो हमने इसमें पुनर्जन्म का क्लाइमेक्स भी डाला हुआ है, तो नो डाउट जब आप देखेंगे तो बहुत मजा आएगा, पब्लिक को बहुत मज़ा आने वाला है और मूवी। चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों से आज बात हुई और इस तरह पता लगा कि आप लोगों की बहुत अच्छी फिल्म आने वाली है। थैंक यू सो मच सर, देखने को मिलेगी। मैं मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा जो आप लोग कवर कर रहे हैं, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच जी। बोलिए आपका अपना नाम और क्या चल रहा है जो फिल्म आपकी मॉम ने की है अभी उसके बारे में कुछ? मेरा नाम तरंग है और मेरी मम्मा ने इस मूवी में काम किया है जिसका नाम है मतलब हिंदुस्तानी का, जिसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। राज जी का जो उन्होंने मौका दिया है वो काफ़ी टाइम के बाद वो आई है इस मूवी इंडस्ट्री में। क्या बात, और किस तरीके का काम किया है आपकी मम्मी ने, क्या किरदार है उनका, कुछ आप शेयर कीजिए? उनका माँ का कैरेक्टर है, ये छोटा सा कैरेक्टर है, बहुत ही दमदार कैरेक्टर है, लेकिन कुछ ही पलों में उन्होंने काफ़ी एक बड़ी छाप छोड़ी जो मैं अब तक सुनने में आ रहा है, बाकी सब ऑडियंस पार्टी बताएंगे। क्या बात है, सुरंग जी आप क्या करती हैं, कुछ अपने बारे में बताइए ना। मैं भी एक्टिंग ही करती हूँ, मेरा भी करियर एक्टर है, मैं भी करती हूँ क्या, तो उसका नाम कुछ आपके आपको मिल जाएगा? ओके, क्या बात, तो आपको लगता है कि मतलब वो मैसेज दे पाएगी मूवी जो? बिल्कुल, और आप कितना प्यार करती हैं देश से, वो थोड़ा हो जाए कुछ? बस कभी मौका मिला तो बताऊँ शब्दों में, कभी मौका मिला तो जरूर अपने आप को साबित करने की कोशिश करेंगे। चलिए विश ऑल द बेस्ट आपकी मॉम के लिए, आपके लिए, हम ऐसे ही आगे बढ़े और हम ऐसे ही आपका इंटरव्यू लेते रहें। थैंक यू सो मच। सर आपका नाम? मेरा नाम अंशुमन चतुर्वेदी है। सर ये जो फिल्म लिखी है आपने बताया क्या मतलब किस लिए लिखी है और कुछ बताइए इसके बारे में? ये फिल्म ने मतलब बहुत पहले से दिमाग में था, हमने लिखी और जो हमारे प्रोड्यूसर हैं राज राजपूत जी उनसे मैं मिला और ये कॉन्सेप्ट सुनाया उनको, उनको पसंद आया और इस पर वो काम करने के लिए तैयार हो गए।
तो सर ये मैंने सुना है कि किसी रियल स्टोरी बेस पे मतलब आधारित है और जिनमें कि इनके कैरेक्टर्स के नाम भी है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये जिंदगी है, ये रियल स्टोरी नहीं है। तो कैसे मतलब आपको ये आइडिया है कि आपको मतलब देश के ऊपर ही स्टोरी, आज के कल्चर में लव के ऊपर, एक्शन के ऊपर और सेक्स के ऊपर फिल्में बनती हैं लाइक, है ना, और मतलब फैमिली ड्रामाज बनते हैं, तो आपकी मतलब आपको क्या लगा कि क्यों? याद है कि अभी जब तक जो भी फौजियों की स्टोरी दिखाई गई थी वो उसमें बॉर्डर का सीन, उसमें बहुत सारे फौजी बहुत सारे सैनिक दिखाए गए थे, लेकिन ये पहली फिल्म होगी जिसमें सिर्फ एक फौजी की स्टोरी है, वो सारे उसके परिवार उसके गाँव की तरह इर्द गिर्द घूमती रहती है। ये सिर्फ एक फौजी की स्टोरी है जो अपने मतलब बॉर्डर पे देश की सेवा करता है ना, देश की रक्षा करता है, लेकिन वो अपने घर और अपने गांव, अपनी माँ बहन, अपने भाई बहन की रक्षा नहीं कर पाता। ये इस स्टोरी मतलब इस कहानी पे बेस है और काफ़ी पारिवारिक फिल्म है, इसमें मतलब कोई भी ऐसा सीन नहीं है जो मतलब परिवार के साथ बैठ के ना देख सके, आप फैमिली के साथ देख सकते हैं। क्या बात। तो मैं ये जानना चाहूँगा जिस बखूबी से आपने फिल्म लिखी उसी बखूबी से डायरेक्टर ने इसे बनाया है, मतलब बिल्कुल उसी, कहते ना हीरा क्या कहते हैं उसे, परखा जाता है, तो वैसे ही आपके हीरे को परखा है आपके डायरेक्टर ने, जिनका नाम है लक्ष्मण यारा जी। जी बताइए चंद शब्द उनके बारे में। जी अभी तो हमारा जो मतलब जो भी टीम है कोई ज़्यादा मतलब एज का नहीं है, हम सब मतलब 25 के अंदर ही हैं और काफ़ी मेहनत करके हम यहाँ तक मतलब पहुँचे हैं, जो भी अभी छोटा मोटा काम किए हैं। डायरेक्टर भी हमारा ऐसा है, बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत करके यहाँ तक मतलब अपनी जो अभी वो दूसरी फिल्म है वो इसकी, और आगे भी मतलब उसको दो फिल्में ऑफर हो चुकी है और काम कर रहा है। काफ़ी मतलब मेहनती टाइप का इंसान है और काफ़ी अच्छे से काम करता है हमारे साथ, और मैं डायरेक्टर को मतलब 7 सालों से जानता हूँ, लगोटिया यार कह सकते हैं आप, और बहुत अच्छे से जो शूट हुआ हमारा मतलब लोगों को समझाना गुस्सा करना बहुत अच्छे से डायरेक्टर ने किया है, और काफ़ी मतलब कोई भी ऐसा आर्टिस्ट नहीं है जो उनके मतलब रवैये से नाराज़ हो, सबने तारीफ की है, चाहे वो अली खान हो, चाहे वो मुश्ताक खान हो, चाहे वो मोनालिसा हो, या अंजना सिंह हो, या अरबाज को शहबाज खान हो, सबने तारीफ की है हमारे डायरेक्टर। तो मैं जानना चाहूँगा थोड़ा प्रोड्यूसर के बारे में, जो आपकी फिल्म के प्रोड्यूसर हैं उन्होंने स्टोरी सुनी और वो रेडी हो गए कि हाँ ऐसी ये स्टोरी उन्हें करनी है, इसका क्या रीज़न था? नहीं नहीं वो मतलब हम लोगों मतलब सबसे बड़ी खास बात है हम लोग फेसबुक पे मिले थे और हमने सर से बात की, प्रोड्यूसर सर से राजपूत जी से, और उन्होंने ऑफिस में बुलाया और फिर मैंने उनको स्टोरी सुनाई, मतलब कहानी सुनाई थी एक, उन्होंने कहा हाँ ये कॉन्सेप्ट अच्छा है जो देशभक्ति है और हमें इस पर काम करना है, फिर हम लोगों ने मतलब 1-2 महीने का टाइम लिया, उस पर स्टोरी लिखी गई, फिर डायरेक्टर ने फिल्म अपने हिसाब से बनाई, काफ़ी अच्छे तरीके से सुनी। तो इन फ्यूचर आप ऐसी ही फिल्में लिखते रहेंगे? जी बिल्कुल, अगर हमारे दर्शकों को पसंद आई तो हम आगे ही ऐसी फिल्में लिखते रहेंगे। तो आपके डायरेक्टर लक्ष्मण यारा जी ही रहने वाले हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल। और प्रोड्यूसर राजपूत जी? जी। क्या बात है, ये बहुत अच्छा लगा जानकर कि मतलब आप यही इसी तरह आगे भी एक साथ अपनी टीम को लेकर काम करने वाले हैं। आपके डायरेक्टर नहीं बदले जाएंगे कि आप ऐसे ही लाइफ टाइम उनके साथ काम करें और ऐसे प्रोड्यूसर्स के साथ काम करें जो आपको इतना सपोर्ट करते हैं, आपको इतना प्यार करते हैं, और एक देशवासियों के लिए अपनी फिल्म के लिए एक मैसेज सर आपकी तरफ से। जो मतलब मैं राइटर भी हूँ और मैं इस फिल्म का असिस्टेंट डायरेक्टर भी था, और मतलब काफ़ी अच्छा लगा हमारे डायरेक्शन टीम में, मतलब रियांश बहल और अंशुमन चतुर्वेदी, स्नेहल और बिट्टू जहरीला, काफ़ी मतलब अच्छे लोग थे जो काफ़ी सपोर्ट किए, सबसे ज़्यादा मेहनत किया रियांश बहल ने, जो मतलब काफ़ी मेहनत किया उन्होंने फिल्म के लिए। चलिए थैंक यू सो मच सर, आपसे एक हफ्ते को हुई और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और विश यू हमारी तरफ से कि पब्लिक जाकर आप ये फिल्म देखें और ये बहुत ही बड़ी कामयाबी। थैंक यू सर। तो अपना नाम और अपनी फिल्म के बारे में और अपनी टीम के बारे में कुछ बताइए। सारी मूवी की है एक जिसके बारे में अभी मैं राइटर साहब ने बताया था, बहुत अच्छी मूवी है और देश के ऊपर मूवी बनाया है हमने, जिसके प्रोड्यूसर हैं राज राजपूत जी और अलका राजपूत जी, और हमारे डायरेक्शन टीम में है अंशुमन चतुर्वेदी जी, हमारे राइटर भी हैं रियांश बहल है, मेरा छोटा भाई है पढ़नाव है, स्नेहल है, बहुत अच्छी टीम है हमारी, एक फैमिली है, हम मिलकर काम करते हैं और प्रोड्यूसर के नीचे हमने काम किया, बहुत अच्छा लगा। यूनिट
थी हमारी, सब सुपर थी, सब अच्छी थी, काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। सर आपकी जो फिल्म में मैसेज देना चाहते हो, मैसेज आप पब्लिक तक पहुंचा पाएंगे? बिल्कुल हाँ सर, मैसेज में चलिए बता नहीं सकता, इतना है कि अब हमारी जो मूवी आने वाली है मैंने कही देशभक्ति मूवी है, जो आज हम 90 और 80 का दशक में देखते हैं जो मूवी उसको लेके आए हैं हम। और आजकल कहीं ना कहीं मूवी में जो ऐसे मूवी आ रही है जो आप फैमिली के साथ करके नहीं देख सकते, हमारी मूवी ऐसी नहीं है, आप फैमिली के साथ, दोस्त के साथ, माँ के साथ, बहन के साथ, भाई के साथ, बाप के साथ, हर किसी के साथ देख सकते हैं आप। इवन आप वो गाँव में मूवी चलती थी जो पहले टाइम में हमारे एक्टर की मूवी है, देहाती देहाती आर्ट मूवी है, तो आप बिल्कुल देखिए मूवी है, मैं यही बोलूँगा। और एक एक जो लड़ाई होती है देश पे जो फौजी लड़ते हैं उनके ऊपर कहानी है, जो हम उनको देश में जो हमारे साथ उनके साथ जो कुछ गलत होता है, तो हमने कोशिश किया है, ट्राई किया है कि अपने फिल्म के माध्यम से लोगों तक पहुँचाए कि फौजी हमारे लिए कितना अहमियत रखते हैं, कितना हमारे लिए वो इम्पोर्टेंस रखते हैं, हमारे लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, बर्फों में रहते हैं, गर्मी में, बरसात में, तो उनके उनको हमने समर्पित किया ये मूवी। तो प्लीज़ आप लोग हमारी मूवी को सपोर्ट कीजिए और मैं दिखने जाइए। थैंक यू सो मच सर, आपने जो भी बताया मतलब बहुत ही अच्छा लगा, आप इस तरीके का काम कर रहे हैं और आगे भी करिए, और आई होप कि आपकी फिल्म बहुत सक्सेसफुल फिल्म रहे, लोग जाकर उसे थिएटर में देखें। जी बिल्कुल, आशाएं तो यही है हमारी, बाकी आप लोगों का मेहनत और पब्लिक की सपोर्ट जरूर जरूर, पब्लिक सारी सपोर्ट करेगी क्योंकि आपकी सोच अच्छी है और आपका काम अच्छा है। थैंक यू सो मच।